ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 19 ऑफ 279। Translate into English. आइए स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार रहूंगा, I shall be ready. का शॉर्ट फॉर्म होगा ये, I shall be ready. ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग यूज करेंगे यूज ऑफ shall be and will be. ठीक है। आप दयालु रहेंगे, ठीक है। आइए करते हैं एक एक करके। यू विल बी काइंड, तुम अनुपस्थित रहोगे, यू विल बी एब्सेंट, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आइए मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको आना चाहिए, तो सब मैं आपके लिए एक एक करके करता जाऊँगा, ठीक है। यू विल बी एब्सेंट, ओके। आगे देखिए, मैं बीमार रहूँगा, आई विल बी एल, आल बी, अच्छा मैं बीमार रहूंगा, आई के संग शैल लगेगा, आई शैल बी एल, आई शैल बी एल, ठीक है। मैं स्वस्थ रहूंगा, आई शैल बी हेल्दी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, आई शैल बी हेल्दी। सीता उदास रहेगी, ता उदास रहेगी, ता विल बी अपसेट, सीता विल बी सैड, ठीक है। आगे देखिए, एक एक करके अच्छे से समझिए, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक एक करके सॉल्व करना है, ओके। मैं दो, तुम दोषी होगे, यू विल बी गिल्टी, शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, यू विल बी गिल्टी, और हो सकता है यू विल बी फॉल्टी, शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, यू विल बी फॉल्टी, ठीक है। श्याम धनी रहेगा, श्याम विल बी रिच, ठीक है। आप प्रसन्न रहेंगे, यू विल बी हैप्पी, का शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, यू विल बी हैप्पी। नेक्स्ट, वह बीमार रहेगी, शी विल बी सिक, शी विल बी सिक। तुम बेकार रहोगे, ठीक है, यू विल बी यूजलेस, यू will be, you'll be useless, ठीक है। Next, you will be unemployed, short form देख लीजिए। आगे देखिए, वह अनुपस्थित रहेगा,
will be absent. इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, he'll be absent. नेक्स्ट, वे दुखी रहेंगे, they will be sad. They'll be sad. They will be upset. They'll be upset. ठीक है, तुम भूखे रहोगे, you will be hungry. शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, you will be hungry. ठीक है, भारतीय ईमानदार रहेंगे, Indians will be honest. ठीक है, गरीब किसान गरीब रहेंगे, poor farmers will be poor. अमीर लोग अमीर रहेंगे, rich will be रिच. गरीब लोग गरीब रहेंगे, पुअर विल बी पुअर. तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर. शॉर्ट फॉर्म, यू विल बी अ डॉक्टर. नेक्स्ट, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर. शॉर्ट फॉर्म, आई शैल बी अ डॉक्टर. नेक्स्ट, तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, यू विल बी अ गुड मैन. शॉर्ट फॉर्म, यू विल बी अ गुड मैन. ठीक है, नेक्स्ट, वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट. शॉर्ट फॉर्म, ही विल बी ग्रेट. नेक्स्ट, तुम भाग्यशाली रहोगे, यू विल बी लकी. शॉर्ट फॉर्म, यू विल बी लकी. वह नेता होगा, ही विल बी लीडर. ही विल बी द लीडर. ठीक है, वह तेज होगा, ही विल बी फास्ट. शॉर्ट फॉर्म, ही विल बी फास्ट. मैं संतुष्ट रहूंगा, आई विल बी सैटिस्फाइड. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, आई विल बी सैटिस्फाइड. ठीक है, नेक्स्ट, तुम परेशान रहोगे, यू विल बी डिस्टर्ब्ड. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, यू विल बी डिस्टर्ब्ड. और होगा, यू विल बी ट्रबल्ड. शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, यू विल बी ट्रबल्ड. नेक्स्ट, यू विल बी डिस्ट्रेस्ड. शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, यू विल बी डिस्ट्रेस्ड. ठीक है, नेक्स्ट, वह थका रहेगा, ही विल बी टायर्ड. शॉर्ट फॉर्म, ही विल बी टायर्ड. नेक्स्ट, वे
आश्चर्यचकित रहेंगे, ठीक है, दे विल बी सरप्राइज्ड, शॉर्ट फॉर्म दे'ल बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट, दे विल बी एस्टोनिश्ड, शॉर्ट फॉर्म दे'ल बी एस्टोनिश्ड। आगे देखिए, तुम्हारा भाई तेज होगा, योर ब्रदर विल बी फास्ट, ठीक है। आगे देखिए, वोकैबुलरी देखिए जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे, वोकैबुलरी, दोषी, गिल्टी, फॉल्टी, बेकार, यूजलेस, अनएम्प्लॉयड, अमीर लोग, द रिच, गरीब लोग, द पुअर, भाग्यशाली, लकी, फॉर्चुनेट, नेता, लीडर, परेशान, ट्रबल्ड, डिस्ट्रेस्ड, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप में बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा, जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे। सामान्यतः आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। आइए संक्षिप्त तालिका देखते हैं। पर्सन सिंगुलर देखेंगे और प्लूरल, एक वचन बहुवचन। फर्स्ट पर्सन, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। वी शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। सेकेंड पर्सन, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे। यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश रहोगे। थर्ड पर्सन, ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा। शी विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगी। इट विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा। राम विल बी हैप्पी, राम खुश रहेगा। प्लूरल, दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश रहेंगे। वे लोग खुश रहेंगी। द बॉयज विल बी हैप्पी, लड़के खुश रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखिए। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, शॉर्ट फॉर्म आई शैल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, शॉर्ट फॉर्म आई शैल बी रेडी। हम लोग भूखे रहेंगे, वी शैल बी हंग्री, शैल बी हंग्री। तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट, यू'ल बी प्रेजेंट। रीता बीमार रहेगी, रीता विल बी इल। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट, दे'ल बी ऑनेस्ट। वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंग्री, ही'ल बी हंग्री। वह महान आदमी बनेगा, ही विल बी अ ग्रेट मैन, ही'ल बी अ ग्रेट मैन। वह एक नेता होगा, ही विल बी अ लीडर, ही'ल बी अ लीडर। आगे देखिए, वी शैल बी लीडर्स, हम लोग नेता बनेंगे। रीता एक नर्स बनेगी, रीता विल बी अ नर्स। नोट, यहाँ आप यह जान लें कि शैल बी और विल बी का प्रयोग यह दर्शाता है कि कोई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। अगर आप किसी को देखकर वेशभूषा से किसान होने का अनुमान लगाते हैं और कहते हैं वह एक किसान होगा, तो इसका अनुवाद ही वुड बी अ फार्मर होगा और यह वर्तमान समय का बोध कराएगा। यहाँ इसकी अंग्रेजी ही विल बी अ फार्मर नहीं होगी। ही विल बी अ फार्मर का अर्थ है आने वाले समय में वह एक किसान बनेगा और अपनी स्थिति को कायम रखेगा, ठीक है।